दोस्तों, कई बार ऐसी कंप्लेंट्स होती है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है, हमारा जो पार्टनर है, वो हमसे मिलने नहीं आता, वो कभी कभी मिलने आने में कतराता है। तो ऐसे सारे कमेंट्स मुझे मिली, इसके बदौलत इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का इंटेंशन यही है कि आपके पार्टनर को हमेशा आपको मिलने के लिए रेडी कैसे रखें। तो आज के वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल टिप्स देने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखकर सारी टिप्स समझ लेना, क्योंकि सारी टिप्स बहुत ही काम की है और सारी टिप्स अप्लाई करके आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए तैयार रख सकते हैं आपको मिलने के लिए, और वो भी सामने से उतने उत्सुक होंगे आपको मिलने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साइकोलॉजी में जो सबसे पहला टिप है वो है पास्ट एंड फ्यूचर लिंक। क्या है पास्ट एंड फ्यूचर को लिंक करना, कैसे उसे अप्लाई करना है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, पास्ट एंड फ्यूचर यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ी पास्ट में हो और थोड़ी फ्यूचर में रह गई हो, यानी कि फ्यूचर के लिए बाकी रह जाए, ऐसी कोई चीज़ आपको करनी है। यानी कि समझ लीजिए, आप कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं, सामने वाला पार्टनर आपकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही क्यूरियोसिटी आ रही है, जिज्ञासा पैदा हो रही है आपकी बातें सुनने में, समझने में, लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल एक टॉच यानी कि एक टॉप पे आ जाता है, तब आप सडनली ऐसा कह देते हो कि नहीं, मुझे कोई काम आ गया है, मैं बाद में आपको ये बात पूरी करूँगा, मुझे अर्जेंट कहीं पे जाना होगा। ऐसे करके कुछ भी करके आप इस बात को अगर यहाँ पे छोड़ते हो तो वो पास्ट बन गया। अब जो फ्यूचर के लिए उन्हें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा कि वो बातें क्या थी, उसका एंडिंग क्या है, वो बातों के लिए वो एक्साइटमेंट उनका ख़त्म ही नहीं होगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। अगर ऐसा रहेगा तो कोई भी पार्टनर आपको मिलने के लिए तड़पेगा, आपका मिलना ही वो बार बार चाहेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें थी तो जो पास्ट बनाकर कह दी, अभी फ्यूचर में आप कहने वाले हो, उसके लिए भी उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये पहली साइकोलॉजिकल टिप थी जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को मिलने के लिए मजबूर कर सकते हो। दूसरी जो साइकोलॉजिकल टिप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक ही बार आप अपने पार्टनर को कहे और वो मिलने तुरंत आ जाए, तो ये टिप आपको बहुत ही काम में लगेगी। तो दूसरे नंबर में जो टिप है वो फियर ऑफ लॉस्ट यानी कि खोने का डर। इसके बारे में मैंने 3-4 वीडियो में बात की है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में कुछ हटके बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताने वाला हूँ। तो फियर ऑफ लॉस्ट में नया क्या है, 70% 30%। यानी कि इसका मतलब क्या है, 70% आपको अपने आप में बिजी रहना है, आपको अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देना है, अपने आसपास के जो ऑरा है, आसपास का जो वातावरण है उसमें खोए रहना है, अपने आप में ज़्यादा बिजी रहना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप 30% उन्हें देखेंगे, या तो फिर अगर लाइन मार रहे तो लाइन मारे, उन्हें अच्छे से ताड़ रहे तो ताड़े, अच्छे से देख रहे तो देखें, लेकिन वो 30% में करें। उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि 70% आप ज़्यादा टाइम नहीं देते, 100% उनके लिए नहीं रखते, इसकी वजह से उनको ज़्यादा वैल्यू आपकी लगेगी। और ऐसा हर बार मत करें, नहीं तो कभी कभी ज़्यादा बुरा लगेगा, तो रिश्ता टूट भी सकता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो 70-30 करके फियर ऑफ लॉस्ट पैदा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल टिप है अपने पार्टनर को मिलने के लिए, हर बार बुलाने के लिए। और लास्ट में जो साइकोलॉजिकल टिप है वो है एट्रैक्टिव दिखना। एट्रैक्टिव दिखना मतलब कि आपको एक आकर्षित अपना पर्सनालिटी बनाना है। इससे क्या होगा कि लोग आपके मिलने के लिए बहुत ही खींचे चले आएंगे, और अच्छे उनको भी अच्छा लगेगा आपसे मिलने के लिए, वो तुरंत आगे आएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहेगी आपको मिलने के लिए। दोस्तों, एट्रैक्टिव दिखने का फ़ायदा क्या है कि आपके पार्टनर को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपके साथ बातें कैसी करनी है, क्योंकि आप एट्रैक्टिव दिखते ही है और उन्हें ये बात पसंद है, तो इसकी वजह से उनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकता है आपके पार्टनर को आपसे मिलवाने के लिए। तो ये तीनों साइकोलॉजिकल टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टनर को जब चाहे तब मिलने बुलाने के लिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अपने पार्टनर को मिलने के लिए बुलवा सके और उनके रिश्ते भी अच्छे रहे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।